नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत जो है स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए। प्लीज़ मुझे टॉपिक्स बताइए, किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, किन नंबरों पर। ये 3 नंबर ही सिर्फ मेरे हैं, इसके सिवा मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इन्हीं नंबरों पर आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर इन नंबरों से आपको कोई तीसरा या चौथा नंबर मिलता है तो दैट्स माई नंबर, क्योंकि कई बार आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए हमें एक और नंबर लेना पड़ता है। हम बात कर रहे थे कि 2018 टाटा बाय बाय हो रहा है। दिसंबर का महीना, साल का आखिरी महीना। वाव, 2019 आने वाला है। मस्ती, मजाक, सर्दी, क्या करें, है ना। हम बात कर रहे थे दिन के हिसाब से। हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार की बात कर चुके थे। चलिए बृहस्पतिवार की बात करते हैं। बहुत 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 स्पेशल है बृहस्पतिवार लड़कियों के लिए। बहुत 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 स्पेशल है बृहस्पतिवार जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। बहुत 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 खास है। अगर विदेश यात्रा चाहिए, चेहरा खूबसूरत चाहिए, रंग गोरा चाहिए, तो आपके लिए बृहस्पतिवार बहुत ज़रूरी ग्रह है। इन सब चीज़ों में से अगर शादी नहीं हो पा रही है, घर नहीं बन पा रहा है, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है, या हस्बैंड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल पा रहे, तमाम तरह के कोई भी तकलीफ आपको हो रही है, तो आपको इन उपायों को करना है। 4 बृहस्पतिवार केवल साल के बचे हैं। सुबह जल्दी उठिए, पानी में हल्दी डालकर स्नान कीजिए, अपने गुरुओं को याद कीजिए। सबसे बड़े गुरु माता पिता हैं, माता पिता की सेवा कीजिए। गले लगी अगर आप बेटी हैं और बेटा है तो पैर छूइए। मन की बात सच्ची उन्हें बताइए। पीले कपड़े पहनिए, पीला खाइए, जैसे कड़ी चावल खाइए। कड़ी चावल का दान कीजिए, बेसन के लड्डुओं का दान कीजिए। केला बिल्कुल ना खाएं। केला और केली का पेड़ हर बृहस्पतिवार किसी भी मंदिर, धार्मिक स्थान पे दान दें या अपने घर के आसपास लगाएं, लेकिन घर के अंदर ना लगाएं, क्योंकि केला रहे सदा अकेला, तो केले को कभी भी घर में नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये तमाम तरह के उपाय कीजिए। बेसन के लड्डू खाइए। बृहस्पतिवार के 4 व्रत अगर आप जाते हुए इस दिसंबर के महीने में रख सकते हैं तो रखिए। केले के पेड़ की परिक्रमा करिए। 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच दूध अर्पण करिए। ये ना सोचे कि आधा किलो दूध अर्पण कर दूं तो शायद इसी महीने मेरी शादी हो जाए, तो पेड़ जो है ना वो मुरझा जाएगा और आपकी शादी भी नहीं होगी। तो आपका भावना अच्छी होनी चाहिए। भावना अच्छी है तो छोटा सा दूध की एक बूंद भी कमाल कर देगी आपके जीवन में। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, हर बृहस्पतिवार गौशाला जाकर एक दीप जला कर आइए और भगवान से ये कामना कीजिए कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, या यूँ कहें कि मैं विदेश यात्रा कर सकूँ, मेरी स्टडी अच्छे से और मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, मेरे चेहरे पर एक नूर, एक रौनक आए। वो नूर और रौनक ना अंदर होती है, मेकअप में नहीं होती है। वो नूर और रौनक ना जो मन खुश होता है तो होती है। तो मन खुश रखने के लिए पहले प्रसन्न रहिए। तो ये सब कीजिए बृहस्पतिवार के दिन। और विष्णु हरि चालीसा पढ़िए हर शाम को। इससे आपके जीवन में बहुत 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 ज़बरदस्त बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि दिसंबर के जाते हुए महीने में ही केवल ये करना है, आने वाले 2019 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम साल के जाते जाते तो इन उपायों को कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब तक नहीं मिला राखी जी, 2019 में कहा था आपने शादी हो जाएगी, अभी तक नहीं हुई है शादी। 2018 में आपने शादी के लिए कहा था तो 2019 में हो जाएगी भाई। और क्या पता पहले दिसंबर को ही करते आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन, शुक्रवार। शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह की बात की जाए, पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पुरुष हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, पोजीशन नहीं मिल रही है, और आपको नाम, नेम, फेम, यश नहीं हो रहा, आप एक्टर हैं, आप मीडिया में काम करते हैं और काम आप करते हैं, बल्कि बॉस आपसे खुश नहीं होता। वैसे तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, बॉस कभी खुश हो भी नहीं सकता है, ठीक है, तो वो कोशिश भी बेकार है। बस आप मुस्कुराते रहिए, अपना काम डेडिकेशन से, मन से, खुशी से कीजिए, तो ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को इस तरह से मलें, देखें, चूमें और अपने चेहरे पर मलें। इससे या आप पुरुष हों या स्त्री हों, कोई भी हों, पर यह करना चाहिए। खासकर शुक्र ग्रह पुरुषों के लिए कारक है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तरक्की, नेम, फेम, यश पाना चाहते हैं, अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, आपका यूट्यूब चैनल बहुत फेमस हो, आप ऐसा चाहते हैं, मीडिया में आपका नाम हो, तमाम तरह का कुछ भी काम अगर आप चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करने हैं। क्या उपाय करने हैं? सबसे पहले नहाते वक्त गंगा जल और गुलाब जल दोनों को मिलाकर पानी में नहाना है। गंगा जल और गुलाब जल दोनों को पीना भी है, 1-1 बूंद। इट इज़ मोर देन एनफ। सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। मैंने आपसे कहा पीला खाइए, पीला पहनिए, इवन चादर भी बेड पर पीली ही बिछाइए। और बृहस्पतिवार वाले दिन जो पुरुष हैं वो अपने कपड़े पूरे, इनर भी, और आपके जो भी चीज़ें, उन्हें क्रीम कलर का इस्तेमाल कीजिए। लव लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। रोमांस, इश्क, प्यार, मोहब्बत, रोमांटिक डेट्स मिलने शुरू हो जाएंगी। पत्नी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी तरफ, लेकिन पत्नी तक ही रहेगा, हाँ, कहीं और मत सोचिएगा कुछ भी। और खूब सारा डिओ, परफ्यूम्स और गुलाब इस्तेमाल कीजिए। गुलाब के फूल 2 लीजिए, एक को पानी के अंदर रखिए, ग्लास के अंदर, हमेशा अपनी टेबल पे हर शुक्रवार। अपने घर में, अपने कमरे में गुलाब के फूलों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और एक गुलाब का फूल जैसे नेहरू जी लगाते थे ना, जेब में लगाइए। अब चलिए ओल्ड फैशन लगेगा आपको, तो जेब में छुपा कर रख लीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको ये 4 शुक्रवार करना है। शाम के समय आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है या किसी भी ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ लक्ष्मी नारायण मूर्ति हो। वहाँ पर जाकर आपको माँ को पतासे भोग लगा कर आने हैं। बस इतना सा काम। फिर देखिए जाते जाते 2018 आपको क्या क्या देकर जाता है। अब बात करते हैं शनिवार। बाप रे बाप, डर ही लगने लगता है। शनि मतलब पता नहीं क्या कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोर्ट कचहरी, मेरा शनि आया, मेरी सारसती। अरे कुछ भी नहीं है। जो जिंदगी में आपको शनि राहु केतु देते हैं ना, सच ही बोल रही हूँ, कोई नहीं दे सकता। आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं, लेकिन आपके कर्मास अच्छे होने चाहिए। अगर आप पे कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्जे में डूबे पड़े हैं, बदनाम हो रहे हैं, कलंक लग रहे हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को, क्योंकि कौन है तू, तेरा नाम क्या। सीता भी यहाँ बदनाम हुई। और जिस दिन आपके लिए बातें बननी शुरू हो जाए ना, उस दिन आप तरक्की की फर्स्ट सीढ़ी पर होते हैं, क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन सुबह जल्दी उठिए। उठने के बाद अपने घर की मेन डोर पर आप पानी का एक लोटा डालिए, श्री बोलकर। पुरुष भी डाल सकते हैं, स्त्री भी डाल सकते हैं, घर में दोनों हैं तो कभी कोई डाल दे, कभी कोई डाल दे। और उसके बाद आप नहा धोकर चंगे एकदम बढ़िया बनकर नहाइए ज़रूर शनिवार को, याद रखिए। लेकिन शेव मत करवाइए, बाल मत कटवाइए, नॉनवेज मत खाइए, किसी और के घर का खाना मत खाइए, किसी काले कुत्ते को दूध पिलाइए। आप क्या राखी जी, हमने तो कुत्ता पाल रखा है। अपने घर का जो कुत्ता जानवर होता है वो मेम्बर होता है हमारे घर का। अब आप अपनी माँ को कुछ भी लेकर दे दें, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो लेकर देना, लेकिन दान पुण्य बाहर करना पड़ता है उन ज़रूरतमंद लोगों की जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, हमें ज़रूरतें पूरी करनी होती है। गॉट माई पॉइंट। सो अब आप क्या करें, मंदिर जाएं, घंटी बजाएं, शनिदेव पर गुड़ अर्पण करें, तेल अर्पण करें। और कुछ लोग होते हैं तेल बॉटल में भरते हैं, ले जाते हैं, फिर वापस ले आते हैं। आई स्वेयर मैंने लोगों को माचिस की डब्बी के अंदर दीपक मतलब जलाते हुए देखा है। हाँ सीरियसली देखा है। और उसमें बत्ती रखते हुए देखा। इतनी इतनी छोटी छोटी आयोडेक्स की शीशियों में भगवान के लिए तेल लेकर जा रहे हो, तो बदले में भगवान क्या देगा, रोग ही तो देगा। अरे प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तेल की छोटी से छोटी बॉटल ले लीजिए, लेकिन फ्रेश तेल लीजिए। शनिवार वाले दिन तेल ना खरीदे तो बेहतर है, एक दिन पहले खरीद कर रख लीजिए। शनि मंदिर जाइए, तेल अर्पण करिए, गुड़ अर्पण करिए, घंटी बजाइए। और महत्वपूर्ण बात, किसी को बिना बताए हर शनिवार, अगर आप इन सब कष्टों से पीड़ित हैं जो मैंने पीछे बताए, झाड़ू, वाइपर और पोछा, डस्टिंग का कपड़ा, बाल्टी, मग्गा, इनमें से कुछ भी चुपचाप शनि मंदिर में रख कर आ जाइए। ज़िंदगी में बदलाव देखिए कितना ज़बरदस्त आने वाला है आपके। और शाम के समय पे मंदिर में जाकर इमरती का भोग लगाकर इमरती गरीबों में बांटें और स्वयं भी इमरती खाएं। बस इतना कर लीजिए जाते हुए 2018 में, ठीक है। और देखिए 2019 कैसा आता है। ये दिसंबर के एक स्पेशल 4 हफ्ते के 4 उपाय। संडे, बाप रे बाप, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इन उपायों को करने वाले हैं, क्योंकि संडे मतलब सरकारी नौकरी, संडे मतलब पापा की प्रॉपर्टी, संडे मतलब पापा से रिश्ते, संडे मतलब ससुर के साथ रिश्ते अच्छे, तमाम तरह के काम। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, हर बार 1 नंबर से रह जाते हैं। सरकारी नौकरी आपका एक सपना है, सरकार से कोई काम होना है, प्रॉपर्टी की बड़ी डील होनी है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, तो आपको ये सारे उपाय करने हैं। जी हाँ, आपको संडे वाले दिन सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करना है और उसके बाद ओम सूर्य नमः का जाप करना है। आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए या फिर म्यूजिक सिस्टम पर सुनिए। भाई मैं तो आज के ज़माने की हूँ, मैं नहीं कहती पढ़ने बैठ जाओ, गलत मंत्र पढ़ो, उल्टा कर लो अपने लिए, कोई बात नहीं। रेड कलर के कपड़े पहनिए। हाँ शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनिए, बिंदास पहनिए। कोई मना करता है छोड़िए, मैं जो कह रही हूँ उसे फॉलो कीजिए। काले रंग के कपड़े पहनिए। आप संडे वाले दिन लाल रंग के कपड़े पहनिए, नारंगी रंग के कपड़े पहनिए, ठीक है। आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप बनाइए देसी घी के अंदर 4 पूरियाँ, मतलब बीबी बनाकर दे दे, और अगर आप महिला है तो आप भी कर सकते हैं। 4 घी के अंदर पूरी बनाकर उस पर गुड़ रखकर फिर चलिए घर के बाहर और गाय ढूंढिए। लाल रंग की गाय को वो पूरी और गुड़ खिला दीजिए। ऐसा 4 दिन तक लगातार कीजिए। लाल रंग का चंदन माथे पर लगाइए, प्योर चंदन। उसके बाद देखिए कैसे सरकारी नौकरी मिलते जाता हुआ 2018 आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाता है। तो ये थे दिसंबर के महीने के कुछ खास उपाय जो मैंने आपको बताए। अगर अब तक आपने पूरे साल कुछ नहीं किया तो जनाब जाते जाते तो कर ही लो। ज़िंदगी के अंदर बदलाव चाहिए तो चुटकी बजा कर नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए किस विषय पर मैं आपके लिए जो है वीडियोज़ बनाऊँ। कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, कैसे लगती हैं मेरी बातें, प्लीज़ इन 3 नंबरों पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और हाँ, कॉलिंग टाइम मॉर्निंग 9 to till 9। टेक केयर।